कौन है तेलंगाना के सीएम की वो बेटी जिसका नाम दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले में बार बार लिया जा रहा है या फिर घसीटा जा रहा है? क्या है मामले की सच्चाई और क्या वाकई में दिल्ली से तेलंगाना तक जुड़े हैं इस तथा कथित घोटाले के तार? जी, दिल्ली में आबकारी नीति में कथित गड़बड़ी को लेकर वैसे तो अब तक 11 अधिकारियों पर जांच चल रही है। इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस तक जारी होने की बात आई, मगर कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब तेलंगाना से इस घोटाले के तार जोड़े जाने के दावे होने लगे। और ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के ही सांसद प्रवेश वर्मा ने किया, ये कहते हुए कि तेलंगाना की मुख्यमंत्री की बेटी कविता पर भी कथित शराब माफियाओं से मिली भगत के आरोप हैं और इस पर सीएम की बेटी ने लगे हाथ सफाई भी दे दी है। सबके तार दिल्ली के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं, दिल्ली की शराब पॉलिसी से जुड़े हुए हैं। अब उसमें जो जो लोग इन्वॉल्व थे, चाहे वो किसी भी राज्य के थे, किसी भी पॉलिटिकल फैमिली के थे या कहीं के भी कोई भी शराब माफिया थे, जितने भी लोग उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व थे, मीटिंग में इन्वॉल्व थे, सारे पैसे को ट्रांसफ़र करने में इन्वॉल्व थे, तो वो चाहे कोई भी वो नहीं बच पाएंगे। लेकिन जिन्होंने ये आरोप लगाए अब वही इस मुद्दे से बचते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा सवाल खड़े कर अब इन्हीं सवालों से बच रहे हैं कि क्या वाकई तेलंगाना के सीएम के तार इस शराब घोटाले से जुड़े हैं। उन सवालों का बीजेपी नेता सुधांशु द्विवेदी गोलमोल जवाब दे देते हैं। सरकार के आरोप है उनके बारे में, एजेंसी सक्षम है ये तथ्य की गहराई तक पहुँचने। अब बीजेपी ने नए सिरे से आबकारी नीति पर कुछ सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। मसलन, बड़ी कंपनियों को कैसे शराब का वितरण, उत्पादन और बेचने का लाइसेंस मिला? L1 का कमीशन 2% से बढ़कर 12% क्यों किया गया? दिल्ली में शराब जब ज्यादा बिकी तो फिर टैक्स से होने वाली आय घटी क्यों? जो पुरानी पॉलिसी में एक साल में 7,800 करोड़ की शराब एक साल में बिकती थी, इन्होंने 7 महीने में 10,000 करोड़ की शराब बिकी है दिल्ली में 7 महीने में। मुद्दा शराब नीति नहीं है, मुद्दा है केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता। कैसे 3 बार दिल्ली जीत गए, कैसे पंजाब में प्रचंड बहुमत आ गया, कैसे गुजरात में लोकप्रियता बढ़ रही है, कैसे पूरे देश में भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का मिशन सफलतापूर्वक चल रहा है, इस केजरीवाल को रोको। खैर, राजनीतिक घमासान के बीच दिल्ली लिकर एसोसिएशन ने भी अदालत में नई आबकारी नीति को चुनौती दे रखी है। खैर, केजरीवाल सरकार इस नीति को सबसे बेहतर और विपक्ष इसे अब तक की सबसे खराब और भ्रष्टाचारी नीति बता रही है। इसी के चलते लग रहा है कि ये मामला अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर नीतिगत खामियों की ओर इशारा कर रहा है। मगर सवाल ये कि क्या वाकई में इस कथित घोटाले के तार तेलंगाना से जुड़े हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।